अमित रंजन नाम के व्यक्ति जो प्राइवेट ऑनलाइन टॉयज का बेचने का काम करते थे, वो अपने घर से सब्जी खरीदने गए थे अपनी सलेरियो गाड़ी में, और उनको रास्ते में 5 लोगों ने रोक के गाड़ी के सामने गाड़ी लगा के उनको किडनैप कर लिया, मारपीट की, गाड़ी में डाल लिया, उनसे एटीएम मांगा, एटीएम नहीं होने के कारण फिर उनको उनकी मिसिज से फ़ोन करवाया गया, अब तुम पैसे लेके आओ। वो पैसे और एटीएम लेके नहीं आई तो उसकी जेब से जो 5,000 रुपये थे वो छीन के, उसकी गाड़ी छीन के और उसको नीचे गिरा के और लेके भाग गए थे, जिसके संबंध में हमारे कमिश्नर और पुलिस श्री के राव ने निर्देश दिए कि इस केस में किसी भी सूरत में कार्रवाई की जानी चाहिए और ये आदमी पकड़े जाने चाहिए। जिस पे हमारी क्राइम टीम मानेसर ने बड़ा अच्छा काम करते हुए एक आदमी जिसका नाम विनोद उर्फ दरबारी है, ये शाहजहाँपुर का रहने वाला है, राजस्थान का, ना रेवाड़ी का, और इसको अरेस्ट किया है। इसने पूछताछ पे बताया कि हम एक तो गाड़ी साथ रखते थे और उसके साथ हमारे छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो मोटरसाइकिल पे भी रहते थे, तो ये पहले शिकार ढूंढते थे, उसके बाद ये देखते थे कि भी इससे चेहरे से और इसके हाव भाव से कैसा लगता है, क्या इसके पास एटीएम होगा नहीं होगा, और उसे एटीएम से पैसे निकलवाते थे और उससे पैसे जो नकदी मिलती थी वो और गाड़ी छीन के लेके जाते थे, और ये सारे काम हथियारों के बल पे किए जाते थे, जिसके संबंध में खेड़कीदौला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। इसमें इनके कुछ अन्य साथी हैं जिनकी तलाश कर रहे हैं, इसको हमने गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पे लिया और वो सलेरियो गाड़ी जो छीनी गई थी वो इसके कब्जे से हमने बरामद कर ली है। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इससे बरामद हुई है जो इस घटना रेवाड़ी में छीना झपटी की घटना में यूज हुई थी, और अब तक इन्होंने 6 केस माने हैं इस तरह की घटनाओं के, जो 5 हमारे यहाँ के हैं और एक रेवाड़ी जिले का है। ये लगातार इस तरह की वारदात को अंजाम दिए जा रहे थे, तो इनको काबू करके और पुलिस ने इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि भी इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। गाड़ी कहाँ बेचते थे ये चोरी करने के ये लिए? राजस्थान में गाड़ी बेचते थे और वो डिमांड पे ही ये उस तरह की गाड़ियां छीनते थे, और इसके अलावा गाड़ी वालों से एटीएम और वो छीन के उनका पिन कोड पता करके उनसे पैसे भी निकालते थे, इस तरह का काम भी करते थे। कितने लोगों का गिरोह था ये? इसमें 8-10 आदमी शामिल हैं टोटल, 5 आदमी तो उस दिन गाड़ी छीनने में ही थे और बाकी मोटरसाइकिल पे थे इनके साथी, हम सबको ढूंढने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इनके पहले ऑलरेडी अरेस्ट हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही सरगना है। गिरफ्तार हो चुका है इस गिरोह में? ठीक हाँ, इसका सरगना पहले अरेस्ट है और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। है, ठीक है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।